हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। और एक आम सूचना यहां प्रकाशित की गई है बीएसएससी के द्वारा। इसमें देखिएगा, विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014, ये दिनांक 29/8/2022 यानी आज का ही है। यह विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में 14 हेतु आयोजित काउंसिलिंग के उपरांत मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिनकी अनुशंसा संबंधित अधियाची विभागों को प्रेषित कर दी गई है। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित सभी 14,410 अभ्यर्थियों के स्टेटस एवं रिक्तियों से संबंधित विवरणी आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 23/65/2022 में उल्लेखित है। परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत वेटिंग लिस्ट जारी करने एवं भविष्य में काउंसलिंग हेतु उपलब्ध 177 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों विभिन्न माध्यमों से आवेदन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग कार्यालय को प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन के आलोक में यह सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विभाग से प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा प्रेषित की जाती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना संकल्प संख्या 23/74 दिनांक 16/7/2022 की खंडिका 16 में स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणित की जाएगी। वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, अतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। इन मामलों के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेधानुसार योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि देखिए, यदि जरूरत ऐसा पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ 177 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये आयोग के द्वारा आज स्पष्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे लोग, अब ये जान लीजिए सेकेंड लिस्ट बिल्कुल नहीं आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 177 पदों के लिए ज़रूरत पड़ा तो 177 पदों के विरुद्ध जो है ये काउंसलिंग आयोजित किया जा सकता है, बाकी जो है और सेकेंड लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो बस आज इतना ही अपडेट था बीएसएससी की तरफ से। धन्यवाद।